परमपिता परमात्मा सावन कृपाल दे चरणा विच नमस्कार है। जिन्ना ने गरीब आत्मा ते रहम कीता, आपदी भगती दा मौका दिता, आपदे जश करन दा मौका दिता है। संत महात्मा मालक दे प्यारे, किसी भी युग अंदर, किसी भी समाज अंदर, या पूर्व या पश्चिम या फारस के देशों में पैदा होए, कोई भी महात्मा कोई नवी समाज बनाने वास्ते नहीं आया, ना पहली बनी तोड़न वास्ते आया है, ना कोई महात्मा साडे हाथ विच डंडे दे के लड़ाई झगड़ा कराने वास्ते आया है। बेशक दे करके साडे विच जो मालिक दे प्यारे मौजूद नहीं, लेकिन उन्हां दीआं लेखनिया जो उन्होंने काफी मेहनत नाल लिखिया सन, वो साडे कोले मौजूद हैं। असी उन्होंने पढ़ के देख सकते हैं कि उन्होंने विच किसे वास्ते नफरत है या प्यार है। तुसी किसे भी महात्मा की बाणी खुले दिल नाल खुले विचार नाल पढ़ के देख लो। हर एक महात्मा की बाणी अंदर चार चीजा की महिमा हुंदी है। वो चार चीजा ये हैं कि जप तप पूजा पाठ नाल मुक्ति नहीं, मुक्ति नाम विच है। ये भी वो महात्मा सन दसदे है कि वो जिस नाम नाल मुक्ति है वो इन्हां अखां नाल देखिया नहीं जा सकता, इन्हां कन्नां नाल वो सुनिया नहीं जा सकता गा। वो बिना लिखिया कानून है, बिना बोली भाषा है, क्योंकि जवान होने के बावजूद असी गूंगे हैं, अखां होने के बावजूद असी उस नाम नू देख नहीं सकते, अंधे हैं, कान होने के बावजूद असी उस आवाज नू जो परमात्मा साडे अंदर दे रहा है असी सुन नहीं सकते। जिस परमात्मा ने सारे संसार नू जीवन दिता है, वो संसार की रचना रच के आप सचखंड विच बैठा है, असी ये पैर सानू उत्थे लेके चढ़ नहीं पहुंच नहीं सकते गे। इस वास्ते असी लूले हैं, लंगड़े हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है वो अन्ने नहीं जिहड़े हुक्म नाल अन्ने हो गए है, असली अन्ने वो है जिन्हां दे अंदर वो परमात्मा दा प्रकाश है उहनूं देख नहीं रहे। बोले वो है जिन्हां दे अंदर वो दिन रात शब्द नुकारां दे रहा, आवाज आ रही है उहनूं सुन नहीं रहे। अंधे से ना आखिए जो हुक्म अंधे होए, अंधे से ही नानका जो खसमो कुत्थे जाए, नानक से अखीवियां जिन्ना दिसंदो मापरी। पूर्ण महात्मा परमात्मा की तरफों सानू अंधिया नू अखां देण वास्ते आउंदे है, लूले लंगड़िया नू पैर देण वास्ते आउंदे है, और सानू गोलियां नू ओ अंदरले कन्न खोलण वास्ते आउंदे है। गुरु अर्जन देव जी कहंदे है पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बगीता, अंदले तिर पवन सूजिया गुरु भेड पनीता, मैल गई कोट अग हरे निर्मल पै चीता, ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता। दूसरी महात्मा सतसंग दी महिमा करदे है। आप प्यार दे नाल कहंदे है संगत दा साडे उत्ते बड़ा जबरदस्त असर पैंदा है। जिस तरह लोहा पारस दी संगत करके सोना बन जाता है, एक बारी सोना बनया फिर लोहा नहीं बनता गा। परिंगी कीड़े नू लिया के बंद कर दिंदी है, फिर उनू अपना शब्द यानि अपनी आवाज उसनू सुनाउंदी है, जो कीड़ा उहदी तवज्जो आवाज नू सुन लैंदा है वह फिर कीड़ा नहीं रहिंदा गा, वह परिंगी बन के उहदे साथ ही उठ जाता है। स्वांते बूंद खारे समुद्र दे विच गिर के खारी हो जाती है, लेकिन सीपी दे मुंह विच पै जाती है वह मोती बन जाता है। लोहा काट दी संगत करके
पानी विच तर जांदा है। इसे तरह महात्मा दी संगत दे विच जाके असीं परमात्मा नूं मिल लैने हैं, आत्मा नूं शांति प्राप्त कर लैने हैं। सत्संग महात्मा उस वातावरण नूं भी कहिंदे है जिथे परमात्मा दे मिलण दा चर्चा कीती जांदी है, प्रचार कीता जांदा है। साडे भुल्लड़ मन नूं महात्मा ठोकर ला के परमात्मा दी तरफ पलटदे है। सतो परमात्मा है जिहड़ा कदे नाश नहीं हुंदा, फना नहीं हुंदा गा। असली संगत उस शब्द दे नाल जुड़ना, परमात्मा दे नाल जुड़ना ही है। तो भगत नामदेव जी कहिंदे है कि प्यारियो, तुसीं संतां दी बाहर देह नूं देख के भुल्लो ना कि इह साडे वर्गा इंसान है, लेकिन नहीं, वह कोई होर पोजिशन भी रखते है। वह अंदरों परमात्मा नाल जुड़े हुंदे है, परमात्मा रूप होए हुंदे है। उन्हां दा दर्शन, उन्हां दी संगत भी सानूं, असीं इक सत दी संगति कर रहे हुंदे हैं। कुछ प्रेमियां ने सवाल किया गुरु अर्जन देव ते कि सच्ची संगत किहदी हुंदी है, किहदी संगत दे विच बैठना चाहीदा है, किन्हां दी संगत तों दूर रहना चाहीदा है, किहड़ी संगत लेखे विच है। गुरु अर्जन देव जी महाराज प्यार नाल कहिंदे आ, सच्ची बैस के तिन्ना संग जिन संग जपिया नाओ, ते सग संगन कीचे नानक जिन्ना अपना सुआओ। कबीर साहब कहिंदे आ, राम बुलावा भेजिया दया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग है सो बैकुंठ न होए। कबीरा संगत साध दी कटे कोट अपराध, संगत बुरी असाध की आठो पैर अपाध। भागवत दे अंदर कृष्ण भगवान उद्धव नूं कहिंदे आ कि देख भई प्यारिया, ना जप नाल, ना तप नाल, ना पूजा, ना पाठ, ना होर किसी श्रेष्ठ ना कर्म नाल मैनू कोई पा सकदा है। जिन्ना जल्दी मैनू सच्चे साधु दी संगत विच जाके पा सकदा है। आप कहिंदे है, ना मैं आकाश ते समा सकदा है, ना पताल विच, मैं भगतां दे दिल विच, भगतां दी आत्मा विच बड़ी आसानी नाल जाके समा सकदा है। दवाई सानू हस्पतालां चो मिलदी है, तलीम सानू स्कूलां कालजां चो मिलदी है, ठंडक सानू पानी दे पास बैठण नाल मिलदी है, तप सानू चुल्हियां चो मिलदी है। अगर इन्हां चीज़ां नू असीं रोज़ अपने तजर्बे विच सच समझदे हैं, ते जिथे कोई मालक दा प्यारा रहिंदा है, उत्थे मालक भी, वो परमात्मा भी उहदे कोले रहिंदा है। गुरु नानक देव जी कहिंदे आ, राम संत में भेद कुछ नाहीं। कबीर साहब कहिंदे, संतां को मत कोई निंदो, संत राम है एको। तीसरी महात्मा दी बाणी जिहड़ी है पूरे गुरु दी महिमा करदी है, क्योंकि अधूरे गुरु दे शरण दे विच जाके सवाए परेशानी तो, खजल खुआरी तो बगैर होर कुछ पल्ले नहीं पैंदा गा। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी, पढ़िया पढ़ा सकदा है, पहलवान ही पहलवान ही सिखा सकदा है। जिसने जिंदगी दे विच मन नाल संघर्ष कीता है, अभ्यास कीता है, ओही सानू अभ्यास सिखा सकदा है, मन नाल संघर्ष करा सकदा है। जिहड़ा अंदरों परमात्मा नूं मिल गया है, जुड़ गया है, ओही सानू मिला सकदा है। मैं ठोक वजा के आपका जाति तजर्बा दसदा हुंना है प्यारियो, कि किसी महात्मा दे नाम लैण तों पहलां, शरण विच जाण तों पहलां, क्योंकि ये जिंदगी दा सवाल है, मौत दा असीं मसला हल करना है। तुसीं ओहदी जीवनी पढ़ो, कोई उहने 20-10-15 साल कोई अभ्यास कीता है, क्योंकि मैं दसदा हुंना कि रंग रलियां माणदिआं इह पर्दा नहीं खुलदा गा, इह कमाई दी चीज़ है। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, गली किन्ने ना पाया प्यारे, गल्लां ना कदे किले सर नहीं हुंदे गे। और गल्लां दे नाल असीं काम क्रोध लोभ मोहंकार जिहड़ियां विरोधी ताकतां परमात्मा ने साडी आत्मा दे दरम्यान खड़ियां कीतियां हन, असीं इहनां नूं जित नहीं सकदे गे। लाहौर दे अंदर गूंगा पहलवान होया है जिहड़ा काफ़ी मशहूर होया है, महाराज कृपाल उसकी मिसाल देंदे हुंदे सीगे वी उह क्यों दुनिया च मशहूर होया। वह सारी सारी रात अपनी कसरत करदा हुंदा सीगा। खुद महाराज कृपाल ने रावी दरिया नूं चुनिया, गल जिहड़े पानी दे विच खड़के वह अभ्यास करदे हुंदे सन। लेकिन जिहड़ी असीं खोज करनी है, यह भी महात्मा दी बाणी च लिखिया है, यह नाम तो पहलां सानूं अच्छी तरह खोज कर लैनी चाहीदी है ठंडे दिल दे नाल। लेकिन जद नाम ले लिया है, फिर सानू ईमानदारी नाल, श्रद्धा नाल, प्यार नाल कमाई करनी चाहीदी है, क्योंकि जे असी दिल विच कोई दुविधा रखते हैं, महात्मा प्रति कोई फिर भरम रखते हैं,
फिर असी अंदर कदे भी दाखिल नहीं हो सकते गे। मैं उपर दस के आया सी कि कोई महात्मा सानू लड़ाउण वास्ते नहीं आउंदा गा, कोई पहली समाज तोड़न वास्ते नहीं आउंदा, नवी बनाउण वास्ते नहीं आउंदा गा। वह तो परमात्मा की तरफों आत्मा वास्ते संदेश लेके आउंदा है। जिन्ना आत्मा का परमात्मा दरगाह दे विच फैसला कर लैंदा है कि मैं इन्हां नू अपने कोले हुण बुलाउणा है, वह उन्हां महात्मा नू संदेश दिंदा आ के। बेशक उन्हूं वो संदेश देने लग्या कितनियां भी कठिनाइयां क्यों ना पैदा होण, ना महात्मा किसी सभा सोसाइटी के उत्ते कोई बोझा बन के आउंदा है, बल्कि वह खुद अपनी रोजी रोटी कमा के अपना गुजारा करता है। लेकिन ऐसे मालक दे प्यारियां दे जाण तो बाद असी की करते हैं, उन्हां दियां लेखनियां नूं अपने ही ढंग तरीके नाल असी लिख लैने हैं, टीके कर लैने हैं और उन्हां दे नां दे उत्ते समाज बना लैने हैं। एक दूजे नूं लड़ना पिड़ना असी सिखा लैने हैं, सीख लैने हैं, वंडियां पा के बह जाने हैं। हुण जिन्ना महात्मा का उपदेश सारे संसार नूं आत्मा नूं सीगा, उन्हां नूं किसे कौम नाल बन देना, समाज नाल बन देना, एदू वध असी मालक दे प्यारियां नाल होर की बेइंसाफी करांगे। पूरा महात्मा गऊ दी तरह हुंदा है। जिस तरह गऊ यह नहीं कहती कि मैं इस समाज दे नूं या इस मुल्क दे नूं ही दुध पिउणा है, वह हर एक नूं दुध दिंदी है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे पूर्व का जमया है, चाहे पछम का जमया है। थोड़े अगे छोटा जिहा शब्द स्वामी जी महाराज का रखा जाता है, गौर न सुनो। चेतावनी भाग दूसरा, बचन पंद्रवां, शब्द चौदवां, संतां दी बाणी, पन्ना 46। जहां तुम समझ सोच कर चलना, यहां तुम समझ सोच कर चलना, यहां तुम समझ सोच कर चलना, यहां तुम समझ सोच कर चलना। यह तो राह बड़ी हत टेढ़ी, मन के साथ ना पढ़ना। की संदेश लेके आंदे है, क्योंकि साड़ी आत्मा सतपुरुष दी अंश है, मन काल दा एजेंट है, ना तो काल रूह नूं आत्मा नूं मार सकदा है, ना नवी पैदा कर सकदा है, अगे नूं जला नहीं सकदी गी, हवा इन उड़ा नहीं सकदी गी, ना आत्मा किसे नूं मारदी है, ना आत्मा मरदी है। काल ने आत्मा नूं इत्थे रखण दी खातर तन दा पिंजरा घड़ दिता, नाल मन बना ला दिता, मन दी ड्यूटी ये ला दिती कि कोई भी महात्मा दा संदेश ना सुने, अगर सुन भी लवे तो शब्द नाम दी कमाई ना करे। हुण मन काल दा वजीर है, इसने आपदियां फौजां खड़ियां कर लियां हन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पंज महाबली है, आलस सुस्ती ये भी उहदियां फौजां हन। परम संत आ के कहंदे आ कि हे आत्मा, ये तेरा देश नहीं, तेरा घर नहीं, तेरा घर सतनाम है, तू काल दे देश विच पराए देश विच आई है, इत्थे सोच समझ के पग धर, और मन ही तेरा मन दुश्मन है, दुश्मन दा कहा नहीं मनना गा। पहला तो मन सानू अस्थूल दुनिया चो ही अस्थूल भोगां च पछाड़ी रखदा है, अंदर ही नहीं वड़न दिंदा गा। जे अंदर भी जांदे है तो बगैर गुरु तो, अंदर बड़े ने कुर्रे बड़े टेढ़े मेढ़े रस्ते बनाए है, आप दियां ओह दियां जोतां रखियां होईयां, आप दियां कालियां आवाजां भी रखियां होईयां हन। कोई पूरा गुरु पूरा महात्मा जिहड़ा रोज उत्थों दी जांदा है, जिहड़ा इन्हां ताकतां ते फतेह पाई हुंदी है, उही सानू लै जे, नगा के लै जे, नहीं असीं किस तरह लंघ सकदे हां। यह तो राह बड़ी अत टेढ़ी, मन के साथ ना पढ़ना।
जल तार बहे अत गहरी, बिन गौर कैसे पार उतरना। ये जड़ा संसार है ना, ये सानू गहराई दा पता, संसार समुंदर दी दा, ना लंबाई दा ना चौड़ाई दा। और एदे विच बड़िया लहरां, किधरे काम दी लहर उठदी है, किधरे क्रोध लो मोह हंकार दी, प्यारे किधरे चुगली निंदिया दी लहरां उठ रहियां हन। आप प्यार ना कहिंदे है, असी पता नहीं अनंत काल तो इन्हां लहरां दे विच गोते खांदे फिरदे हैं। आप प्यार ना कहिंदे है, असी तरन नहीं जानदे गे, समुंदर दी गहराई दा ज्ञान नहीं, चढ़ाई दा ज्ञान नहीं। कोई तारू मिले सानू आप दी किश्ती दा सहारा देवे, ओही पार ले जावे। आप प्यार ना कहिंदे है, तुसी सोच के देख लो बगैर गुरु तो, क्योंकि गुरु परमात्मा दी तरफों नाम दा जहाज लैके संसार दे विच आउंदा है। वो नाम दे बेड़े च जिन्हां नूं बिठा लैंदा है, वो लहरां तो बच के इन्हां तो जिहड़ियां उठ रहियां हन पार लै जांदा है, क्योंकि इन्हां लहरां तो वाकफ हुंदा है। पो जल तार बहे अत गहरी, बिन गौर कैसे पार उतरना। गौर से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामन संग तरना। हुण प्यार ना कहिंदे है कि नाम मिल गया है, हुण गुरु दे नाल ऐसी प्रीत करो जिस तरह कामी आदमी अपनी पत्नी नूं नहीं भुलदा गा, या पत्नी जिहड़ी है काम दे वस होई अपने प्यारे पति नूं कदे विसार नहीं सकदी, क्योंकि जिहदे नाल तुहाडा प्यार होएगा आखरी उसे दे ख्याल आउणगे। सवांगे तां उह प्यारे दी शकल ही सानूं सुत्तिआं नूं सुपने विच दिसेगी। दुनिया दी प्रीत गरजदी है, संतां दी प्रीत प्यार दी है और साडे सुधार दी है साडे नाल। फिर असी जे एक दफा उन्हां नूं याद करदे हां, महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी गुरु करोड़ां दफा याद करदा है। हरस संगी उन्हां दे दिल दे रजिस्टर दे उत्ते लिखिया हुंदा है, बेशक हजारों ही सत्संगी रोज चोला छड्डन गुरु आउंदा है उन्हूं साथ लेके जांदा है। ये महाराज सावन दा वाक है। गुर से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामन संग तरना। संग करो चेतक चित राखो, मन से गुर के चरण पकड़ना। आप प्यार ना कहिंदे है, तुसी सदा ही उन्हूं दिल दे विच बसा लो, सुत्ते जागदे उन्हूं याद करो। भावें दुनिया दे कम करदे है गुरु नूं याद करो। क्यों याद करना है भाई? क्योंकि ना तो अंत वेले माता ने साडी सहायता करनी है, ना पिता ने सहायता करनी है, ना समाज ने सहायता करनी है, ना किसी हुकूमत ने, ना धन दौलत ने। तुसी सोच के देख लो, अगर कोई बगैर मजदूरी बगैर किसी मुआवजे तो साडी सेवा करदा है तो साडा प्यारा सतगुरु है। संग करो चेतक चित राखो, मन से गुर के चरण पकड़ना। छल वल कपट छोड़ कर बर तो, गुर के बचन समझना। थोड़ा प्यार ना कहिंदे है कि तुसी गुरु ना कुछ छल ना करो, फ्रेम ना करो, कपट ना रखो, ओदे नाल प्यार नाल वरतो, सच्चे दिलों ओदी शरण दे विच जाओ। गुरु नानक ने भी कहा, छोड़ो वेस भेस चतराई, दुबदा ए फल ना ही जियो, फिर थानू नाम दा मिठा फल खान नू नहीं मिलेगा,
अगर जे गुरु कोले भी जाके झूठ बोलदे आ गुरु नू भी फरेब दे विच रहने हो जेड़ी चीज देखदे नी ओ दस रहे हो। छाले वाले कपट छोड़ कारे बारे तो गुरु के बचन समझना, डरते रहो काल के पैसे खबर नहीं कब मरना। स्वामी जी महाराज कहंदे है कि काल नू हुआ ना समझो, पता नहीं इन्हें मौत दी घंटी कद बजा देनी है, किथे एक्सीडेंट हो जाना है, किथे हल्ट फेल हो जाना है। सो प्यारे जो वक्त गनीमत मिलिया है एदे विच भजन कर लो, तुसी जिंदे जी उस परमात्मा नू जाके मिल लो, अपने अंदर अपने प्यारे गुरु नू प्रगट कर दो। डरते रहो काल के पैसे खबर नहीं कब मरना, स्वासो स्वास होश कर बोरे पल पल नाम सिमरना। स्वामी जी महाराज कहंदे है कि संता के कहंदे प्यारे हो कोई साह भी तुहाडा सिमरन तो बगैर ना जावे, और पल पल अख दे जिवें असीं पलकां पेट उत्ते करदे हां इहदे नाल सिमरन चले। तुसीं सरकसां दे विच देखदे हो कि किस तरह वो लोग छोटी जी तार ते तुरदे है जां छोटी जी रस्सी ते तुरदे है जां किस तरह वास ते चढ़दे है, उहनां दा जिहड़ा ध्यान हुंदा है ओह उस अपने वास ते उपर हुंदा है, नेकां प्रकार दे करतब दिखाउंदे है, उहनां नूं राजे महाराजे बड़े बड़े आदमी बैठे देखदे है, उहनां दा अपने करतब दी तरफ ही ध्यान हुंदा है, लोकां कदी ध्यान नहीं हुंदा गा कि सानूं कोई वेखदा जां नहीं देखदा। अगर होर पासे ध्यान ले जाणगे तां फौरन ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਰਫ, ਔਰ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। स्वासो स्वास होश कर बोरे पल पल नाम सिमरना, यहाँ की गफलत बहुत सतावे फिर आगे कुछ बन पड़ना। स्वामी जी महाराज कहंदे है कि इंसान दे जामे च आके जे असी गफल कीती कि कल नू नाम जप लांगे या ये कारोबार कर लिए फिर जप लांगे, चल इस दफा सत्संग ते नहीं जांदे, महात्मा ने ओही गल्लां रोज दोहराउणियां हन, चलो इत्थे बैठ के किताब पढ़ लेने हैं, महात्मा प्यार ना कहंदे ये जिहड़ी गफलत है अगे थानू बहुत दुख देवेगी, फिर उस वेले पछताओगे, पछताउणा कुछ भी थोड़े हथ पले नहीं पाएगा। यहां की गफलत बहुत सतावे फिर आगे कुछ ने बन पढ़ना, जो कुछ बने सो अभी बनाओ फिर का कुछ न परोसा तरना। अगर महात्मा बनना है तो जिंदे जी बनना है, नेक इंसान बनना है जिंदे जी बनना है। जेड़े लोग ये सोचते हैं कि शायद अज तो असी शराबा कबाबा पीए, जिन्हू मर्जी है कतल करिए, जिन्हू मर्जी लुट लीए, धन दौलत इकट्ठा कर लीए, प्यार ना कहते हैं कि भाई प्यारे हो यहाँ की गफलत बहुत सताए फिर आगे कुछ नए बन पड़ना।
ਜੋ ਕੁਛ ਬਣੇ ਸੋ ਅਭੀ ਬਣਾਓ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬਣਾਓ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਕੜਵਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਊ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਘਬੋਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਅਗਰ ਕਸਾਈ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਛੁਰੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਜਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਛ ਬਣੇ ਸੋ ਅਭੀ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਰੋਸਾ ਤਰਨ, ਜਗ ਸੁਖ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦੁੱਖ ਮੇ ਇਸ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਕੜੀ ਗਨੀਮਤ ਜਾਨੋ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਛਿਨ ਛਿਨ ਭਜਨਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਰੋ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਲਭਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਚਕਾਓ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਗਾਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਕੜੀ ਗਨੀਮਤ ਜਾਨੋ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਛਿਨ ਛਿਨ ਭਜਨਾ, ਸੁਖ ਮੇ ਗਾਫਲ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਰ, ਮਨ ਤਰੰਗ ਮੇ ਦਮ ਦਮ ਬਹਿਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਚੇਤ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਪਾ ਦੇਖ ਨਾ ਹਰਖੀਏ, ਬਿਪਤ ਦੇਖ ਨਾ ਰੋਏ, ਜਿਉ ਸੰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਪਤ ਹੈ ਬਿਧਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਚੇਤ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲਖੋ ਕਟ ਪੀਤਰ, ਫਿਰ ਆਗੇ ਕੋ ਸੂਰਤ ਪਰਨਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਬੁਝਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੇ ਜਾ ਕਰ ਮਿਲਨਾ। ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੰਤਾਂ ਦਾ
करोगे, उन्हां दिता होया सिमरन करोगे, जो संदेश लेके आए सी कि आत्मा वो परमात्मा दी अंश है, और जो तुसी सिमरन दे जरिए नौ द्वारे खाली करके अखां पिछे आ जाओगे, थानू पता लगेगा कि पहला भी साड़ी आत्मा वो परमात्मा दी अंश सी, मन दा साथ लेके अपने घर नू भुल गई सी, फिर ये अपने घर नू जान दी तैयारी करेगी। आप प्यार ना कहिंदे है कि वो परमात्मा समुंदर है, गुरु ओदी लहर है, आत्मा ओदी बूंद है। जिस तरह बूंद लहर दे सपुरद हो जांदी है, लहर ओनू समुंदर दी तह विच लेके बैठ जांदी है, इसे तरह असी भी साड़ी आत्मा जिहड़ी है ये बूंद जदों लहर गुरु दे नाल जाके मिल जांदी है, गुरु दे शब्दां दे उत्ते अतवार करदी है, गुरु इस नूं लै के जिस समुंदर दे विचों आया हुंदा है वह परमात्मा दे विच ही जाके समा जांदा है। स्वामी जी महाराज ने छोटे जिहे शब्द विच बड़े प्यार नाल दस्सिया है कि इत्थे तुसीं सोच समझ के चलना है, मन दा साथ नहीं छड्डना, मन दा साथ नहीं करना गा, गुरु दी आग्या दे मुताबक चलना है, गुरु दा दित्ता सिमरन करना है। ते दुख सुख दीआं जो नदियां असी करमां दे मुताबक जिन्हां विच असी जिन्हां नूं पार करना है, असी गुरु दे आसरे शब्द दे आसरे असी पार कर सकदे हैं। सो सानू वी चाहीदा है जो कोई संत महात्मा संदेश आत्मा वास्ते लेके आउंदे है, सानू वी उसे संदेश दे उहनां दा संदेश सुनना चाहीदा है, अपने जीवन नूं पवित्र बना के और उस संदेश ते अमल करना चाहिदा है।